हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, दिल्ली के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हालत को आपको देखना चाहिए। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए मुंबई को कोरोना कैपिटल कहा जाने लगा है। सिर्फ आज मुंबई में कोरोना के 150 नए मामले सामने आए हैं और 9 संक्रमितों की मौत हो गई है। अब तक पूरे महाराष्ट्र में जितने कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, उनमें से करीब 75% मुंबई में है, और इसीलिए मुंबई में कोरोना से लड़ने की जंग और तेज हो गई है। ये तस्वीरें मुंबई के धारावी की हैं। 2 अप्रैल को जब यहां कोरोना के पहले मरीज की मौत हुई, तभी यह आशंका जताई जा रही थी कि अगर यहां संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो इसे रोकना बेहद मुश्किल होगा। हुआ भी यह, सिर्फ 10 दिनों में यहां 40 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और 4 की मौत हो गई है। इसीलिए प्रशासन ने अब यहां कोरोना फैलने से रोकने के लिए मिशन धारावी शुरू किया है। मिशन धारावी को अंजाम देने के लिए मुंबई महानगर पालिका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मदद ले रही है। निजी डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, सरकारी डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, महानगर पालिका के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, और छोटी छोटी टीमें बनाई जा रही हैं। एक टीम में 5 लोग होंगे, जिनमें की 2 डॉक्टर होंगे, 1 नर्स होगी और साथ में मुंबई महानगर पालिका के 2 कर्मचारी होंगे। शुरुआत में ऐसी 10 टीमें बनाई जाएंगी और अलग अलग चरणों में जो है स्क्रीनिंग को अंजाम दिया जाएगा। धारावी में करीब 7 लाख लोग रहते हैं। पहले चरण में 50,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें 8 से 10 दिन लग सकते हैं। धारावी के अलावा मुंबई के जिन इलाकों में कोरोना सबसे ज्यादा फैला है, वो है वर्ली, भाईखला, नाना चौक, मालाबार हिल, गोवंडी, बांद्रा ईस्ट, अंधेरी वेस्ट और कुर्ला। मुंबई के लिए चिंता की बात ये भी है कि यहाँ के 4 से ज्यादा अस्पताल कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 2 को सील भी कर दिया गया है। इन्हीं में से 1 भाटिया अस्पताल है, जहां आज 11 और लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये सभी अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं। इनको मिलाकर भाटिया अस्पताल में अब तक 25 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा आज बॉम्बे हॉस्पिटल में भी 1 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आह्वाड ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। जितेंद्र लगातार उस अधिकारी के संपर्क में थे। इसके बाद मंत्री जी की सुरक्षा में लगे 2 गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना के इन बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे मुंबई में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां कई बड़े बड़े होटल और दफ्तर हैं। हालांकि ये सारी कोशिशें तभी कामयाब होंगी जब लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। मुंबई के गोरेगांव में जिस तरह से लोगों की ये भीड़ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही है, वो खतरनाक है। ऐसी ही लापरवाही के कारण मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण के मामले में देश में सबसे ऊपर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में अब तक 1,985 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और 149 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 अप्रैल को ये आंकड़ा 335 और 16 था। 5 दिनों में यानी 5 अप्रैल को मरीजों की संख्या 748 और मरने वालों की संख्या 45 हो गई। 10 अप्रैल यानी अगले 5 दिनों में मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई और मरने वालों की संख्या 2.5 गुनी। इतनी तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बीएमसी ने आगे की तैयारी शुरू कर दी है। तमाम खाली पड़ी जगहों को क्वारंटीन सेंटर में बदला जा रहा है। ये तस्वीर मुंबई के भाईखला इलाके में खाली पड़ी एक कंपनी की है, जिसे साफ कर यहाँ पर 200 बेड का क्वारंटीन हॉल बनाया गया है।